覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम बेंटन फ्रेंचाइज की मोस्ट पावरफुल एलियंस को रैंक करने वाले हैं और बेंटन फ्रेंचाइज की मोस्ट पावरफुल एलियंस के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वैसे बेंटन एक ऐसा शो है जिसे हम सब जानते हैं, इवन हम में से कोई कोई अभी भी बेंटन शो को देखते भी है। मेरा फेवरेट सीरीज बेंटन ऑमनिवर्स था, आप भी अपना फेवरेट बेंटन सीरीज के बारे में कमेंट करना नहीं भूलना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। टॉप 10 लिस्ट में जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस करते हैं। एक टोनियो राइट्स, एपोपोलेक्सियंस, सोनोरसियंस, गैलीलियंस, गैल्वेनिक मेकामॉर्फ, पायरोनाइट एंड मेथानोसियन, फेक्सोरियन, काइनेसेलरन एंड प्रेपेटोसियन बी। ओके, चलिए अब टॉप 10 के बारे में बात करते हैं। नंबर 10, नेक्रोफ्रीजियंस। नेक्रोफ्रीजियन बेंटन की वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एलियन में से एक है और इस एलियन को हम बिग चिल के नाम पे जानते हैं। नेक्रोफ्रीजियंस अपने मुंह से आइस ब्रेथ शूट कर सकते हैं, अपने ओपोनेंट को फ्रीज कर सकते हैं एंड जो चीज एक नेक्रोफ्रीजियन को बहुत ज्यादा डेडली बनाता है वो है इसकी फेजिंग एबिलिटी। एक नेक्रोफ्रीजियन सॉलिड ऑब्जेक्ट से लेकर किसी फिजिकल बॉडी की भी आर पार जा सकता है एंड इवन किसी की बॉडी के अंदर जाके भी उसे फ्रीज कर सकता है। इसके अलावा नेक्रोफ्रीजियंस के अल्टीमेट फॉर्म भी है एंड अपने अल्टीमेट फॉर्म में इनकी पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नंबर 9, पेट्रोसेपियंस। तो पेट्रोसेपियंस को हम डायमंड हेड के नाम पे जानते हैं। पेट्रोसेपियंस बेंटन यूनिवर्स का वन ऑफ द ड्यूरेबल एलियन में से एक है। पेट्रोसेपियंस अपने बॉडी को मैनिपुलेट करके किसी भी टाइप की मिली वेपन्स एंड शील्ड बना सकते हैं, अपने बॉडी से क्रिस्टल शूट कर सकते हैं, अपने ओपोनेंट को क्रिस्टल से जकड़ भी सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोसेपियंस ऑलमोस्ट हर टाइप की लेजर बीम्स एंड एनर्जी ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पेट्रोसेपियंस पूरे तरीके से इम्यून है किसी भी टाइप की एसिड अटैक्स एंड टाइम मैनिपुलेशन से। इनकी कोई बेसिक वीकनेस नहीं है एक्सेप्ट हाइपरसोनिक वाइब्रेशंस। नंबर 8, कंडक्टोइड्स। कंडक्टोइड बेंटन की वन ऑफ द फेवरेट एलियन में से एक है जिसे हम फीडबैक के नाम पे जानते हैं। कंडक्टोइड्स की मेन एबिलिटी है इलेक्ट्रोकाइनेसिस। इसके अलावा कंडक्टोइड्स इलेक्ट्रिकल बीम्स, वेव्स एंड एनर्जी को शूट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कंडक्टोइड्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं ऑल मैनर ऑफ एनर्जी को। अपने अब्सॉर्ब किए हुए एनर्जी को यूज करके कंडक्टोइड्स उड़ सकते हैं एंड अपनी स्ट्राइकिंग पावर को इनहेंस भी कर सकते हैं। एनर्जी अब्सॉर्प्शन के मामले में एक कंडक्टोइड की कोई भी ट्रू लिमिट्स नहीं है। इसी एलियन को यूज करके बेन ने एक डूम्सडे वेपन जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था उस वेपन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। नंबर 7, टोकुस्टार्स। इस एलियन को हम वेबिक के नाम पे जानते हैं। टोकुस्टार्स फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये लोग अपने साइज की बींग्स को प्लैनेट ऑर्बिट से बाहर फेंक सकते हैं, अपने हाथों से कॉस्मिक रेस को शूट कर सकते हैं एंड इवन टोकुस्टार्स इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये लोग प्लैनेट लाइक मून साइज की एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोकुस्टार्स स्पेस की वैक्यूम में सर्वाइव कर सकते हैं एंड अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद इनकी पावर्स बहुत ज्यादा इनहेंस्ड हो जाती है एंड इनके पास फ्लाइट जैसे एबिलिटी भी आ जाती है। नंबर 6, एनाडाइट्स। एनाडाइट्स एक ऐसी एलियन रेस है जिनकी डीएनए को ओमनीट्रिक से भी कलेक्ट किया नहीं जा सकता। एक मैच्योर एनाडाइट प्योर एनर्जी से भरी होती है। एक एनाडाइट जब अपनी पावर्स को मास्टर कर लेती है तब इनकी पोटेंशियल वर्चुअली लिमिटलेस हो जाती है। इनके पास मैना को अब्सॉर्ब एंड मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है एंड मैना लाइफ एनर्जी होती है एक यूनिवर्स का। एनाडाइट्स अपने मैजिकल पावर्स को यूज करके फ्लाई कर सकते हैं, फायर बीम्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट लाइक वेपन्स एंड शील्ड को भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक वेल ट्रेंड एनाडाइट रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। नंबर 5, विलगैक्स। विलगैक्स एक इंटरगैलेक्टिक वॉरलॉर्ड है एंड उसने 10 वर्ल्ड को कॉन्कर भी किया है। विदाउट एनी डाउट विलगैक्स बैंड की वन ऑफ द पावरफुल एंड डेंजरस एनिमी में से एक है। विलगैक्स पावरफुल इनफ है एक जायंट माउंटेन को उखाड़ के फेंकने में। इसके अलावा विलगैक्स एनर्जी को भी प्रोजेक्ट कर सकता है एंड अपनी ब्रेन पावर को यूज करके अपने से भी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल ओपोनेंट को डिफीट करने की पोटेंशियल भी रखता है। नंबर 4, अटोमिक्स। अटोमिक्स बैंड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियन में से एक है। अटोमिक्स की एलियन रेस एंड ए एलियन किस प्लेनेट से है ये अभी भी अननोन है। अटोमिक्स सुपर स्ट्रॉन्ग है एंड इवन अल्टीमेट एलियंस अटोमिक्स के सामने टिक नहीं पाते। अटोमिक्स की स्ट्राइकिंग पावर इतना ज्यादा है कि वो एक स्ट्राइक से किसी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट के एटमॉस्फेयर तक फेंक सकता है। अटोमिक्स न्यूक्लियर एंड अटोमिक एनर्जी को मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा उसे एक वॉकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा गया है। नंबर 3, क्रोनोसेपियंस। क्रोनोसेपियंस को हम क्लॉकवर्क के नाम पे भी जानते हैं। वैसे तो क्रोनोसेपियंस बहुत स्लो होते हैं लेकिन इनकी टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी को यूज करके ये लोग टाइम को स्लो कर सकते हैं एंड अपनी ओपोनेंट के अटैक्स को बड़े आसानी से डॉज भी कर सकते हैं और इसी वजह से क्रोनोसेपियंस बेंटन यूनिवर्स का वन ऑफ द फास्टेस्ट एलियन रेसेस में से एक बन जाते हैं। क्रोनोसेपियंस टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टाइम को रिवर्स कर सकते हैं एंड अपनी फिजिकल बॉडी को अपग्रेड करके अपने टाइम वार्पिंग एबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस्ड भी कर सकते हैं। क्रोनोसेपियंस इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये लोग मल्टीवर्स की टाइमलाइंस या फिर किसी बींग को वाइप आउट भी कर सकते हैं और क्रोनोसेपियंस चाहे तो इनकी रियलिटी वाइप आउट करने वाली वेव को रिवर्स भी कर सकते हैं। नंबर 2, डैगन। डैगन एक डीमन लाइक एलियन है एंड वो पूरे बेंटन मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियन में से एक है। डैगन
के पास शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल, वेदर मैनिपुलेशन एंड लेजर आइज जैसे एबिलिटीज है। उसकी फीट्स ऑलमोस्ट गॉड लाइक है। उसके पास इमोर्टलिटी भी है। उसके हर्ट को निकालने के बाद भी वो मरा नहीं था। उसके हर्ट में इतना ज्यादा पावर है कि सिर्फ उसके हर्ट से इंटायर यूनिवर्स को रूल किया जा सकता है। नंबर वन पे जाने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नंबर वन, नन अदर देन सेलेस्टियल सेपियंस एके एलियन एक्स। सेलेस्टियल सेपियंस को पूरे बेंटन फ्रेंचाइज में मोस्ट पावरफुल बींग्स कंसीडर किया गया है। एलियन एक्स सिर्फ अपने एक थॉट से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है। ऑमनीपोटेंट होने की वजह से सेलेस्टियल सेपियंस वर्चुअली कुछ भी कर सकते हैं। सेलेस्टियल सेपियंस पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिर्फ अपने कुछ थॉट से। अब क्योंकि एलियन एक्स बहुत ज्यादा पावरफुल एलियन है, इसी वजह से बैन एलियन एक्स को सिर्फ तभी यूज करता है जब यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स खतरे में हो। तो गाइस, ये था बेंटन यूनिवर्स की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियंस। इस लिस्ट को लेकर आप आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे शेयर करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।